हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, वो क्विक एनर्जी चेक है, यानी कि शॉर्ट वीडियो होती है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो आज मैंने टॉपिक लिया है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके दिल का हाल क्या है तो आज हम चेक करने वाले हैं कि उनके दिल का हाल आपके बिना क्या है। ठीक है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है। अगर आपसे बात कर भी रहे हैं तो आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल का हाल क्या है आपसे बात किए बिना या बात करके, तो ये सब बातें हम नोटिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। एक जनरल रीडिंग आप सभी के लिए और सभी साइंस के लिए, ठीक है। लेकिन जो भी स्टार साइन मुझे दिखेगा, कुछ खास बातें जो कि जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, वो मैं ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले बता दूँ कि पर्सनल रीडिंग के लिए आप कॉल मत कीजिए। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, वहाँ जाके कनेक्ट कीजिए। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेज हैं, आप एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इंडिया से बाहर भी हैं उनके लिए भी बहुत अफोर्डेबल चार्जेज हैं। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मंथली रीडिंग्स में बारी बारी से अपलोड कर रही हूँ सारे ही साइंस के लिए इंडिविजुअल। ठीक है, तो वो ज़रूर चेक कीजिएगा। यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, उनके पार्टनर के दिल का हाल क्या है, उनके दिल का हाल क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के पार्टनर के दिल का हाल बताइए, उनके दिल का हाल। ओके, नाइट ऑफ वॉन्स है हमारे पास और फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उनके दिल का हाल, उनके दिल का हाल बताइए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, उनके दिल का हाल। क्वीन ऑफ कप्स पधार चुकी हैं हमारे पास चलिए देखते हैं और क्या है। देखिए, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल। ओके ओके, बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और मुझे चाहिए। ठीक है, एक लास्ट कार्ड दीजिए यूनिवर्स, लास्ट कार्ड दीजिए एक। उनके दिल का हाल क्या है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड हैं, मैं ये नहीं लूँगी, ओनली वन कार्ड चाहिए यूनिवर्स, ओनली वन। एक कार्ड चाहिए, सिर्फ एक कार्ड। ओके, और जंप होके वो नीचे गिर चुका है। वेट अ मिनट गाइस, और जो गिरा हुआ था वो है हमारे पास टेन ऑफ पेंटिकल्स, और देखिए एम्प्रेस हमारे पास बॉटम में है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ मैं कार्ड्स को। ओके गाइस, तो आज मैंने रीडिंग्स में देखिए सारी साइन है, लेकिन मुझे यहाँ पे टॉरस कोई और एक्वेरियस कोई बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे एरिज लियो सेजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, ठीक है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। अगेन मैं सारे हिंदी में भी बता सकती हूँ, पर हिंदी में मुझे थोड़ी डिफिकल्टी होती है, वैसे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सारे ही साइंस के लिए है। ठीक है, मुझे टॉरस यानी वृषभ और कुंभ राशि बहुत स्ट्रांगली लग रही है यहाँ पे। ठीक है, और कुछ कुछ के लिए एरीज यानी कि मेष राशि भी लग रही है। ठीक है, लेकिन राशि कुछ भी हो, आपसे ये रीडिंग मैच होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि देखिए, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं या बात कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शन बहुत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1, 2 एंड 3 कोर्ट कार्ड्स हैं हमारे पास। तो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उनमें मतलब उनके पास ऑप्शन बहुत है, आप ही नहीं बहुत सारे ऑप्शन हैं। और डेफिनेटली ये एक गाना गाते हुए नज़र आ रहे हैं, मैं लास्ट में सुनाऊंगी आपको, ज़रूर सुनिएगा वो गाना। इनकी हालत ये है कि वो गाना गाते हुए ये बहुत कुछ आपको कह जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको गाना लास्ट में सुनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले इनकी एनर्जी देख लेते हैं कि इनके दिल का हाल क्या है। ठीक है, इनके दिल का हाल ये है कि बहुत किसी से पैशनेट हैं, आपके जिनसे भी आप डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपको कमिटमेंट देने से डरते हैं, या तो ऑलरेडी कमिटेड हैं किसी रिलेशनशिप में, और फिर भी आपके मतलब जो भी आपके जो पार्टनर है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये लेकिन ये जो पर्सन है मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी या तो किसी से कमिटेड हैं, या फिर ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे ये बिल्कुल बंधे हुए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग इनको एडमायर करते हैं, फिर भी लोग इनको पसंद करते हैं, और इनको पता है कि बहुत सारे एडमायर्स इनके हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये होल्ड करके रखने हैं अपने फीलिंग्स को, अपनी इनकी ज़िद है कि किसी को नहीं बताना, इनके मन में क्या चल रहा है इनको नहीं बताना कि ये किसको पसंद करते हैं, इवन जहाँ कमिटेड है वहाँ भी नहीं बताना इनको कि किसको पसंद करते हैं, यानी कि इनको पसंद करते हैं, इनको पसंद करते हैं, या फिर इनको पसंद करते हैं। आपके मुझे पार्टनर आज लगता है कोई फीमेल है। ठीक है, और जो मेरे जो दर्शक देख रहे हैं वो मेल हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, लेकिन जो आपके पार्टनर की
एनर्जी ऐसी लग रही है कि इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये बहुत सारी बातें आपसे भी छुपाते हैं कि इनके और भी एडमायर्स हैं, ठीक है। लेकिन इनकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स है, किसी को भी दुखी नहीं देख सकते, ठीक है। मैं भी जो गाना सुनाऊंगी वो इनके ऊपर बिल्कुल फिट होता है, ठीक है। मेल फीमेल आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। फिर ये जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती रीडिंग, आप सभी जानते हैं। ये कुछ ना कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं लेकिन देख के भी नहीं, छुपाते हैं। मतलब इनको कौन पसंद है, ये किसको चूज़ करेंगे, इसके बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं बताते, ठीक है। इन्होंने मन में होल्ड कर रखा है कि नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके चाहने वाले बहुत हैं और ये किसी एक को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, इनको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इनके पास आए दिन कोई ना कोई ऑफर आता है और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये बहुत जगलिंग करते हैं कि मैं किसके साथ जाऊँ, किसके पास नहीं जाना है, किसके साथ जाना है। और ये चीज़ें मुझे लगता है कि ऑलरेडी किसी से कमिटेड है तो भी ये चीज़ें चल रही है, ठीक है। और डेफिनेटली ये जहाँ पे है वहाँ पे बिल्कुल लॉयल होना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है कि जैसे कहते हैं कि कार्मिक कनेक्शन या कोई कुछ सीखना है इनको, लेसन लर्न करनी है, इसलिए नए नए रिश्ते इनके बनते जाते हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आज जिनकी रीडिंग है वो सबसे मैच नहीं होगी लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि ये मन से बहुत अच्छे हैं, मन से बिल्कुल साफ़ हैं, लेकिन अगर कोई इनको पसंद करता है तो इनकी गलती नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे कहते हैं कि मैं देखिए पामिस्ट्री भी मैं सीखा है, मैंने पामिस्ट्री करती हूँ मैं, और मैं उसमें देखा है कि जिसका शुक्र बलवान होता है, शुक्र जो होता है एक प्लेनेट होता है वो हमारे हाथ में बलवान होता है, तो लोग आगे से आके उनको ऑफर देते हैं, यानी कि उनसे अट्रैक्टेड रहते हैं लोग। तो ऐसी एनर्जी मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ कि ये चाहे ना चाहे इनके एडमायर्स बहुत होते हैं, ठीक है। इवन ये कमिटेड हैं तो भी इनके एडमायर्स या इनको चाहने वाले की कमी नहीं है। डेफिनेटली ये किसी को बताते नहीं होंगे कि इनकी फीलिंग्स एक्चुअली में है क्या उन सब के लिए, लेकिन ये किसी को दुखी नहीं देख सकते। क्वीन ऑफ कप्स एक बहुत नर्चर करने वाली इंसान होता है, ये इमोशनली सबको मतलब इमोशनल बहुत होती हैं, बात किसी को दुख करना या किसी को हर्ट करना इनके बस की बात नहीं होती। ये शायद अपने आप में बहुत ज़्यादा हर्ट होती होंगी लेकिन किसी को दूसरे को हर्ट करना इनके बस की नहीं होती, ठीक है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अगेन मैं कह रही हूँ। डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई तो इनकी एज से छोटा है, कोई इनकी एज से बड़ा है, लेकिन एज डिफरेंसेस बहुत हैं जो भी इनके चाहने वाले हैं। और डेफिनेटली ये किसी एक को अपनी लाइफ में सेटल करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी सेटल है, तो ये सब चीज़ों का क्या करें इनको समझ में नहीं आ रही। मुझे पे लगता है कि इनके दिल का हाल ये है कि अब मैं गाना सुना ही देती हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे क्विक एनर्जी है, मैं बता नहीं सकती कि इनकी हालत क्या है। हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते और तेरे बिना भी नहीं जी सकते, होना किसी एक का है मगर ये दिल को पता है, मगर क्या करें दिल से मजबूर हैं हम, तेरे बिना भी नहीं जी सकते और तेरे भी। ऐसा कुछ सॉन्ग है गाइज, मुझे बहुत मतलब अचानक क्लिक हुआ, तो मुझे ये लग रहा है कि ये खुद दिल के बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि ये फ्लर्ट एनर्जी में है। ये मेल फीमेल कोई सकते हैं लेकिन इनकी एनर्जी ये है कि ये सब लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इनका कुछ और आ, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोगों को आकर्षित करती है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप कौन से नंबर पे हैं आई डोंट नो, मतलब लेकिन आप भी इनके एडमायर हैं और ऐसी इसी तरह अट्रैक्शन में है, और डेफिनेटली आप इनको कमिट करते हैं नहीं करते हैं लेकिन ये हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं। जो मतलब जो भी इनके आसपास या इर्द गिर्द जो इनको पसंद करते हैं तो उनको ये हमेशा खुश देखना चाहते हैं, इवन ये किसी से कमिटेड करेंगे या नहीं करेंगे ये बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, क्योंकि जब सब बातें अपनी छुपाते हैं, इनके दिल में क्या राज हैं किसी को बताना नहीं चाहते, ठीक है। ये किसी से भी फ्लर्ट करना नहीं चाहते लेकिन किसी को भी कमिटेड भी नहीं करना चाहते, ठीक है। मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये मैरिड हैं इसीलिए किसी और की तरफ ध्यान नहीं देते लेकिन लोग इनकी तरफ ध्यान देते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो बहुत सी ऐसी एनर्जी है कि ये किसी और के लिए भी एज ए फ्रेंड लोग इनके पास आते हैं। डेफिनेटली इनकी एनर्जी कोई फ्लर्ट वाली नहीं है, इनके मन साफ़ है लेकिन लोगों का मन इनके लिए क्या कहता है वो इनको पता नहीं है, लेकिन ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। ओवरऑल मुझे यहाँ पे आज ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने कमिटेड रिलेशनशिप में बहुत खुश हैं लेकिन लोग इनको खुश रहने नहीं देते, आए दिन कोई एक नया एडमायरर या फिर कोई नया चाहने वाला इनको मिल ही जाता है। ये बहुत सारे सर्किल्स हैं, साइकिल्स हैं जो कि इनको पूरे करने हैं, ठीक है। तो आज की क्विक एनर्जी में बस इतना ही, आपको अगर कुछ भी समझ आया, कुछ भी पसंद आया मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, बाय, गुड नाइट।